अस्सलाम वालेकुम डे मेंबर्स, आई होप सो कि आप ठीक होंगे। आज हमारी ट्रेनिंग का सेकंड टास्क है। फर्स्ट टास्क आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे पोस्टर्स मुझे मिले, इम्प्रेसिव पोस्टर्स भी थे जिनको मैंने खुद अपने स्टेटस पे लगाया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड टास्क पे। सेकंड टास्क बहुत सिंपल है लेकिन ये इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये सेकंड टास्क अगर आप समझने की कोशिश करें ना, ये एक तरह की ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा मेंबर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको इस ट्रिक को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। ये ट्रिक सिंपल सी ये है कि आपने एक स्टेटमेंट मैसेज लिखना है। स्टेटमेंट मैसेज में आपने क्या लिखना है, अपनी कंपनी को डिस्क्राइब करना है। जैसा कि मैं EBL पाकिस्तान में काम करती हूँ, तो मैं EBL पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्किंग विद अ कंपनी नेम EBL पाकिस्तान, जिसमें आप डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। इजी पैसा और जैज़ कैश के ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और आप EBL पाकिस्तान के एक अकाउंट से मंथ का 1,06,000 तक भी इजीली अर्न कर सकते हैं अगर आप इसमें फोकस हो के वर्क करते हैं तो, ठीक है। और EBL पाकिस्तान क्या है, ये क्या है, एक पाकिस्तानी कंपनी है। तो ये एक तरह की आपने स्टेटमेंट लिखी, और स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करना है, अपना एक डायरेक्ट लिंक कॉपी करके ना इसके अंदर पेस्ट कर देना है। सबसे जो इस ट्रेनिंग का बेसिक चीज़ है ना, वो है आपने एक डायरेक्ट लिंक बनाना, और डायरेक्ट लिंक बना के आपने उसको पेस्ट कर देना अपनी स्टेटमेंट के नीचे, और नीचे आपने लिखना है कि काइंडली 24 घंटों के लिए इसको स्टेटस पे लगा लें अपने। और फिर आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिख के जो आपने मैसेज लिखना है ना, काइंडली 24 घंटों के लिए इसे अपने स्टेटस पे लगा लें, वो डिफरेंट लिखना है, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को कॉपी करके अपने सारे कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड कर देना है जो भी आपके जानने वाले हैं, लेकिन बशर्ते उन्होंने आपका प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। आपने उनसे ये भी नहीं कहा कि आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, बल्कि आप उसको ये कह रहे हैं कि आप हमारे ना इस प्ले ऐड को ना आगे पोस्ट कर दें, तो वो सिंपली हाँ करते हैं। लाइक दिस, मैंने बहुत से मेंबर्स को कहा है तो उन्होंने सिंपली क्या कहा है, ओके। और कुछ मेंबर्स ने यही कहा है कि मैं नहीं कर सकती, तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि ठीक है आप क्यों नहीं कर सकते, मैंने उनसे कहा बस आप ना करें, आप ये स्टेटस लगा लें। तो डे मेंबर्स, इसका ये होता है कि वो पंजाबी, तो पंजाबी कहावत है ना, यारों के भी यार होते हैं। ये वो कर वो नहीं मेंबर ज्वाइन होता, उसके मेंबर्स आगे ज्वाइन हो, उसके फ्रेंड्स आगे ज्वाइन हो जाते। लाइक दिस मुझे कमेंट आया था और इस मेंबर ने एग्री हो गया और पेमेंट्स भी मुझे रिसीव हो गए। तो ये बेसिक ट्रिक था। तो इस बेसिक ट्रिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो आपको डायरेक्ट लिंक बनाना था। तो वो आपने किस तरह बनाना है, मैं आपको ये सिखाती हूँ। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे सर्च करना है व्हाट्सएप डायरेक्ट लिंक। सर्च करने के बाद आपके पास ये आएगा, आपने यहाँ लिखना है अपना नंबर, ठीक है। यहाँ ऑप्शन होगा, यहाँ आपने अपना नंबर लिखना है। लिखने के बाद लाइक दिस मैं लिख रही हूँ नंबर, मैं एक फ़र्ज़ी नंबर लिख रही हूँ, मैं अपना नंबर नहीं लिख रही, ना ही मैं किसी अपने जानने वाले का लिख रही हूँ, मैं एक फ़र्ज़ी नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। और ये फ़र्ज़ी नंबर लिख के तो इसको हम कहते हैं जनरेट माई लिंक पे, वो एक्चुअली नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया तो 11 का होता है, तो मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, ठीक है। दैट्स इट, जनरेट हो गया माई लिंक। आगे से यहाँ से मैंने आगे कॉपी करना है अपना लिंक, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना नंबर, अपना लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करके जहाँ मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ, सिंपली मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक तरीका होता है कि आप अपने व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक तो कैसे ले सकते हैं, आपने यहाँ पेस्ट कर देना। इसके अलावा भी आपकी एक ट्रिक होती है, आपने क्या लिखना होता है, https और आगे सेमी कॉलन्स, उसके बाद स्लैशेस, उसके बाद wa.me, आगे आपने स्लैश डाल के अपना नंबर लिखना होता है प्लस के साथ। तो इससे भी आपका एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है, ठीक है। और जब भी आप क्लिक करते हो ना, ये मैंने एक फर्जी नंबर लिखा था और मैंने इसको क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं उसका चैट ओपन हो गई है, और दैट्स इट। जब आप अपना स्टेटस पे, जब आप अपनी पोस्ट पे डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर देते हो ना, तो मेंबर ऑटोमेटिकली आपके लिंक को क्लिक करता है। जब वो अपने लिंक को क्लिक करता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी चैट ओपन होती है। फिर अगर वो इंटरेस्टेड होता है ना, तो जब वो चैट ओपन करेगा ना, तो फिर आपको वो लाजमी मैसेज करेगा। अब डे मेंबर्स, ऐसा होता है कि हम लोग ना नंबर सेव करने में बहुत डिले करते हैं, तो नंबर सेव करने में डिले करने की वजह से बहुत से मेंबर्स क्या होते हैं, हमारी पोस्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब हमारा अंदर डायरेक्ट लिंक होगा ना, तो वो जस्ट डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारी चैट ओपन हो जाएगी, वो लाजमी डिटेल लेंगे। और जैसा कि जानते हैं, जब एक इंसान डिटेल लेता है ना, तो नेटवर्क मार्केटर्स जो डीलिंग वे होता है ना,
आपने क्या करना है, उनका कांटेक्ट लाजमी सेव करना है। जब आपके पास उनका कांटेक्ट होता है ना, तो वो आपके स्टेटस देखते हैं और फिर उनको श्योरिटी हो जाती है कि अच्छा ये रियल प्लेटफॉर्म है। जब वो देखते हैं ना ये रियल प्लेटफॉर्म है, तो वो फिर लाजमी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक थी। अगर आप इस पर अमल करना चाहो तो आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने जहाँ भी अपनी पोस्ट लगानी है, आपने क्या करना है, अपना डायरेक्ट लिंक लाजमी लगा देना है नीचे। ठीक है, आप फेसबुक पे लगा रहे हो, पिंटरेस्ट पे लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो ना, आपने क्या करना है, अपना डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर देना है। और जो लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल्स लेते हैं, आपने उन कमेंट बॉक्स में भी उनको मैसेज कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे और ज़्यादा मेंबर ज्वाइन होंगे। डेयर मेंबर्स डायरेक्ट लिंक लेने का एक और तरीका होता है, अगर आपके पास जीबी व्हाट्सएप है ना, तो यहाँ आपने जाना है और यहाँ सिंपली लिखा होता है डायरेक्ट लिंक कॉपी, तो आपने वहाँ से डायरेक्ट लिंक कॉपी करके अपनी चैट से डायरेक्ट लिंक कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करके उसको फिर अपने पास सेव कर लेना है। जहाँ आपको चाहिए होगा आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आज की हमारी ट्रेनिंग थी। आई होप सो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब आपने क्या करना है, आपने कल मुझे जितने भी लोगों को आपने इनबॉक्स में ये डायरेक्ट लिंक और अपनी स्टेटमेंट भेजी होगी, उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। ये आपका नेक्स्ट टास्क है। और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।